सफ़र की चर्चा होते ही अमूमन किसी के जहन में भी सबसे पहले ट्रेनों का ही ख्याल आता है। बात चाहे फिर पैसेंजर ट्रेनों की हो या फिर मालगाड़ियों की। अब तक आपने यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे को कई सुविधाओं का विस्तार करते देखा और सुना होगा, लेकिन अब मालगाड़ियों के निर्बाध परिचालन को लेकर रेलवे ने बड़ी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, मतलब मालगाड़ियां अब अपनी ही सेपरेट रेल ट्रैक पर गुजरेंगी। इससे बिना ट्रैफिक दबाव के मालगाड़ियों का परिवहन हो सकेगा। बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई का एक सेपरेट और एक्सक्लूसिव एक ट्रैक है जिस पर कि केवल मालगाड़ियां ही चलेगी, और यह पूरे देश को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग एक गलियारा बना करके पूरे देश को कि माल, कच्चा माल जहां मिल रहा है, जहां कारखानों में जाना है, जहां पर हमें बंदरगाह है, वहां से हमें अगर विदेश से कोई कच्चा माल आ रहा है या हमें अपना मटेरियल बाहर भेजना है, तो इसके चलते पूरे बंदरगाह को, पूरे देश को जाल बिछाया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए, ताकि यह जो हमारा वर्तमान में जो हमारा ट्रैक है इससे अलग हो करके माल ढुलाई का आसान, सुलभ और तीव्र तम इसकी आपूर्ति की जा सके। दोनों इसमें दोनों चीज़ें हैं, जहां पर एक रॉ मटेरियल बंदरगाहों से या कारखानों में पहुँच सकेंगे या माइन से कारखानों में जा सकेंगे, वहीं कारखानों के तैयार माल उतनी ही तेज़ी से बंदरगाह तक या विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जा सकेंगे। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भुसावल से दानकुनी तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की थी। यह कॉरिडोर नागपुर, बिलासपुर और खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगी। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2021-22 के बजट में हमारे वित्त मंत्री ने एक भुसावल से लेकर के दानकुनी तक, भुसावल जो कि महाराष्ट्र में है और दानकुनी कोलकाता के पास है, इससे होकर के एक डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की। और यह फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली नागपुर, बिलासपुर, खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगी। निश्चित तौर पर इस गलियारा के बनने से जहां पर कि छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या अपना झारखंड का इलाका हो, यह खनिजों से संपन्न इलाका है और बहुत सारे यहां पर माइनिंग हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन माइनिंग्स में और भी फायदा होगा, कारखानों तक, उद्योग धंधों तक और भी जल्दी तीव्रतम गति से सेपरेट होकर के लदान की जा सकेगी और यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की जा सकेगी। इस कॉरिडोर के पूर्ण हो जाने के बाद दूसरे प्रदेशों से कच्चा माल छत्तीसगढ़ आ सकेगा और छत्तीसगढ़ से तैयार माल दूसरे प्रदेशों समेत अन्य देश भी भेजे जा सकेंगे। इससे हमारी आर्थिक गतिविधि को रफ्तार मिलेगी। यह कॉरिडोर नागपुर से होकर आएगा और बिलासपुर होते हुए गुजरेगा। अभी इस कॉरिडोर के लिए प्रक्रिया चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये फ्रेट कॉरिडोर उसी लिए है कि हम अपने माल, कच्चा माल भी ला सकें कारखानों में और कारखानों का बना माल भी हम बाहर भेज सकें। देश को कितना लाभ होगा सर? इससे पूरी तरह देश को ही लाभ होना है, क्योंकि हम जब कच्चा माल लाएंगे और हम, हमारे निर्यातक जो हैं, हमारा माल अगर बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर हमें उससे राजस्व की प्राप्ति होगी। मेक इन इंडिया का जो एक प्लान है बेसिकली प्रधानमंत्री का, तो मेक इन इंडिया के तहत एक इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे माल ना केवल अपने देश में सब जगह जाएंगे बल्कि हम विदेशों में भी सस्ते सुलभ तरीक़ों से भेज सकते हैं। हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग और जितनी तेज़ी से हम माल बना सकेंगे, भेज सकेंगे, उतना ही हमारे जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्शन है, उनको फायदा मिलेगा। भुसावल से दानकुनी तक इस कॉरिडोर की लंबाई करीब 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। जहाँ जहाँ से यह कॉरिडोर गुजरेगा, न केवल वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा बल्कि वहाँ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बेसिकली अभी बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से तो निश्चित तौर पर गुजरेगी, जब यह नागपुर से आ रही है तो निश्चित तौर पर बिलासपुर होते हुए ही जाएगी। यह कार जो है रेलवे की अनुसंगी कंपनी है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके तत्वावधान में चल रहा है। तो पहले तो निश्चित तौर पर जैसा कि कोई भी कार्य होता है तो पहले सर्वे किया जाता है, सर्वे में देखा जाता है, लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, लैंड एक्विजिशन की प्रक्रियाएँ होती है, तो अभी उसमें टाइम लगेगा और अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे किया जाएगा इसमें, उसके बाद इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद से इस रेल लाइन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी, जबकि यात्री गाड़ियां पूर्व से निर्धारित अपने ट्रैक पर ही चलेंगी।
बेसिकली डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का ही कॉन्सेप्ट है कि ये जो वर्तमान एग्जिस्टिंग लाइन है इससे बिल्कुल अलग लाइन ये होगी, उसका स्टेशन बिल्कुल अलग होता है और उस पर केबल और केवल माल गाड़ियाँ ही चलेगी, उससे यात्री गाड़ी उस पर नहीं चलेगी। यात्री गाड़ियों के लिए वर्तमान में भी जो वर्तमान एग्जिस्टिंग लाइन है उसी पर चलेगी। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ही हुआ कि समर्पित माल गलियारा, तो यह केवल माल के लिए लदान के लिए ही समर्पित रहेगा, उस पर यात्री ट्रेनें अभी नहीं चलेगी। अनुमान लगाएं सर कितने समय तक तैयार हो जाएगा ये? अभी ये शुरुआत हुआ है और अभी एक बार सर्वे हो जाए, फिर लैंडिंग क्रिएशन होना है इसमें, तो इसमें जो प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, समय लगता है, तो अभी थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद निश्चित तौर पर बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ और देश को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर रेलगाड़ियों को पैसेंजर ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। मोहम्मद सुलेमान खान, ईटीवी भारत, बिलासपुर।